नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह की सुसाइड की सीबीआई जांच के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिले। तो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई के बेंद्रा के फ्लैट में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और इस खबर से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए थे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने इससे पहले अपनी एक फिल्म बनाई थी छिछोरे, जिसमें उन्होंने इसी मुद्दे पर जो है लाइटनिंग की थी, एक तरीके से प्रकाश डाला था कि सुसाइड जो है वो कभी भी अल्टीमेट ऑप्शन नहीं होता है। तो उनकी एक्टिंग और उनके बिहेवियर से इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं लग रही थी कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हुए कि क्या उनकी सुसाइड हुई है या फिर उनका मर्डर हुआ है, ऐसा करके बहुत सारी खबरें चलने लगी और इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो ये बात उठने लगी। और इसी क्रम में बिहार के पप्पू यादव जो है उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने इस चीज़ की मांग की थी कि सुशांत सिंह के केस की सीबीआई जांच हो। तो उनके उस लेटर के रेस्पॉन्स में अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आ गया है। होम मिनिस्ट्री ने इस बात को लेकर के ये जवाब दिया है कि आपका पत्र दिनांक 16 जून 2020 को प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से आपने युवा फिल्म अभिनेता स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने का आग्रह किया है। आपके पत्र की विषय वस्तु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित है, अतः पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित किया जा रहा है। और तो होम मिनिस्ट्री के इस जवाब पर पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि अमित शाह जी, आप चाहे तो एक मिनट में सुशांत मामले की सीबीआई जांच हो सकती है, इसे टाले नहीं। बिहार के गौरव फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की संदिग्ध मृत्यु की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा और आग्रह किया गया। तो अब इस बारे में यहाँ तक तो इसकी कार्रवाई हुई, इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी ट्वीट करके होम मिनिस्ट्री से इस बात की मांग की थी कि सुशांत सिंह के मामले की सीबीआई जांच हो। और चूंकि अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से सीबीआई जांच के लिए हरी झंडी मिल गई तो अब सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच होगी और जो भी रियल रीज़न होगा वो सबके सामने आएगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है, सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।